अगर आप 1 TB का कोई मोबाइल लेते हैं जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी 1 TB की है, तो आपका यूज भी 1 TB का होना चाहिए। वो ये जो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने के लिए नहीं, बल्कि आपके काम के। मियां साहब, आप वो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो नहीं होती, 1.5-2 लाख तस्वीरें भी खींच के लोग अंदर सेव कर लेते हैं। आपके फोन में कितनी तस्वीरें? बहुत ज्यादा है, मेरी तो स्टोरेज का मसला आता, स्टोरेज का मसला आता रहता है। ये इनके लिए जो है ना, वो 112 का रखा हुआ होगा ना, 112 अंदाजन। कितनी तस्वीरें हैं फोन में आप देख लें? नहीं नहीं, वैसे बता दो कोई नंबर, आपने कभी सोचा? हाँ, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार तो होंगे। 8-10 हज़ार? और आपके फोन में कितनी हैं? 42,000 तस्वीरें सर, वीडियोस एंड पिक्चर्स बोथ। देयर इज अ डिफरेंस ना, आई मीन वो एक सेलिब्रिटी हैं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तो मुझे तो अपनी जरूरत के, मेरी तो फैक्ट्री की तस्वीरें होंगी ना जो होंगी। मेरे भी फोन के अंदर तकरीबन ये 8-10 हज़ार ही तस्वीरें होंगी, और उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये सेलिब्रिटी हैं और हम, यानी इसका ताल्लुक मुंह से भी होता है। हमारे मुंह के ऊपर इतनी बनती है। रहमा, आपने अपने एक्टिंग करियर में ज्यादातर नेगेटिव रोल किए हैं, ठीक है? नॉर्मली देखा ये जाता है कि आपकी वो पहचान बन जाते हैं असल जिंदगी में, तो आपने कुछ ऐसा फेस किया? बहुत होता रहता है, बट अब तो आई हैव लर्न टू इग्नोर इट, क्योंकि इसी तरह से होता है, जो लोग मुझे देखते हैं वो उस कैरेक्टर की वजह से मुझे पहचानते हैं, उनको पर्सनली तो नहीं पता कि रहमा जमान कौन है, तो वो उसी हिसाब से जज करते हैं। जैसे बेरुखी आया था तो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे कि सना जैसी बहू होनी चाहिए, सना कितनी अच्छी है, सबको जोड़ के रखती है। फिर जब मैंने जख्म का कैरेक्टर किया था तो सब वो कि इसको तो मर जाना चाहिए, ये तो लोगों के घर बर्बाद कर रही है, ये तो उसका शौहर छीन रही है, तो ये उसी तरीके से होता है। लेकिन अब मैं उसको उसी तरीके से लेती हूँ, कितना लोग बुरा बुरा भी कहते हैं, बट फिर मैं कहती हूँ कैरेक्टर को कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कह रहे हैं। वैसे आपके घर वालों ने, जैसे आपने 2 साल का टाइम मांगा कि शादी 2 साल बाद करूंगी, जी जी, तो कितने साल रह गए? 2 साल रह गए, अभी की बात है, अभी की बात है। अच्छा, मैं शो देख रहा था ना, आपके अबू आपके अम्मी भी बैठी थी, तो आपने कहा था 2 साल। 2 साल? अच्छा चलो ठीक है, मैं भी 2 साल वेट कर लेता हूँ, मेरी भी अभी स्टडी चल रही है। वो मैंने अपने माँ बाप को बहलाने के लिए कहा था। लेकिन वो शो में इनके अबू बता रहे थे कि ऐसा लड़का होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, मेरे से लंबा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। इन्होंने अबू ने उठे मैंने टीवी से रिजेक्ट करता था। लेकिन कोई है ऐसा कोई हीरो जो नजर में कोई रहमत? नहीं, आप ढूंढे ना। प्यारा कैसा होना चाहिए? बस दिल से प्यारा होना चाहिए। दिल का प्यारा कैसे होता है कोई बंदा? शक्ल तो उम्र के साथ चली जाती है ना, शक्ल का क्या करना है। रामा, you didn't have anything to do with this line of work that you are in. आपका कोई, I believe, relatives वगैरह नहीं थे? नहीं नहीं, so हैं, दो चार हैं। दो चार हैं, वो कौन? रमीज मुख्तार, वो फ्यूजन बैंड के सिंगर थे, मेरे मामू हैं। अच्छा, आपके मामू हैं रमीज? तलहा यूनुस इज माय कजन। अच्छा, यंग स्टनर्स वाला। मोना सिस्टर्स का पता है? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरी खाला हैं, सिंगिंग करती हैं। जी, सारे सिंगर थे, तो आपको एक्टिंग का ख्याल ही क्यों आया? पता नहीं, इत्तेफाक है। आपको कैसा लगा बीइंग एन आउटसाइडर, आप आई इस, आपने इतना कुछ सुना होगा अबाउट यू नो एक्टिंग और ये सब कुछ, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक सो फार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मैंने जिनके साथ भी काम किया सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मॉडलिंग से ज़्यादा मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है, क्योंकि एक बड़ा घर जैसा सा माहौल रहता है, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, नानी दादियाँ भी होती हैं, सब के हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो अच्छा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बींग एन आउटसाइडर थोड़ा सा एवरीथिंग स्लो, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ रुक रुक के आती हैं, लाइक एक ही जैसा काम थोड़ा अरसे तक करती रही, लाइक एक जंप नहीं है जैसे यूजली मिल जाती है, तो वो जंप मुझे नहीं मिली। डायलॉग जितना मर्जी को मजबूत हो बोल लेती हैं। हाँ, एक डायलॉग मैंने लिखा, अगर आप बोल के मुझे दिखाएं। अच्छा जी, बताएं। आपने मेरे तो देख के कहना कि कैसर मुझे कभी तुम छोड़ना ना, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीरियस होकर कहना है, पता चल जाएगा आप कितनी अच्छी एक्टर हैं, ठीक है ना? ठीक है, रेडी हैं आप? यस, कैरेक्टर में आ जाएं। एक्शन। कैसर, आपने मुझे कभी छोड़ना नहीं है, अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रहमा मुझे भूल जाओ, मेरी फुफो दी कुड़ी ना मंगनी होगी। वेलकम बैक टू गपशप। अतीक साहब, वैसे आपको कभी हुआ कोई एक्टिंग वगैरह का शौक? मैं जी एज एंकर रहा हूँ। एंकर रहे? कैरियर ऑनलाइन। अच्छा, सुबह सुबह तो ये तमाम ऑनलाइन वाले एमक्यू में चले गए। वैसे माजरत के साथ, नहीं ऑनलाइन वाले की बात नहीं है, शायद वो जिस जगह हम पहुँच गए अल्लाह ने पहुँचा दिया, बगैर एक्टिंग के वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। इस्लामाबाद जाने के लिए आप कह रहे हैं कि एक्टिंग तो बहुत दरकार होती है, वहाँ करनी पड़ती है, बहुत ऊपर के लेवल की, ऊपर के लेवल ही करनी पड़ती है। वैसे इंग्लैंड चक्कर लगा आपका रिसेंटली? नहीं, हालिया नहीं, पहले लगते रहे, पहले अब नहीं लगते? अब भी जिस दिन बुलाएंगे चले जाएंगे। तो उन 5-6 में से किसी फोन पे कोई कॉल नहीं आ रही लंदन से? शायद वो उधर से ही
बेहतरी होगी तो नहीं आ रही। अच्छा, यानी कि कॉल ही नहीं आ रही? नहीं। ओए होए होए, ये तो कोई याराने ना रहे अतीक भाई, ये क्या बात हुई? कॉल से थोड़ी याराने होते हैं, याराने तो दिल से होते हैं। तो आपने कभी दिल लगाया? बहुत दफा। हाल भी देख ले मेरा, फिर वही गाल है, क्या सर्दी है। हां, मुझे पता है, कोई मिस कॉल भी नहीं आती? नहीं। ओए होए, मैसेज भी नहीं, कोई वॉइस नोट दे के खुद ही डिलीट कर देता इंसान। कभी रात नोट के चेक किया, शायद आई होवे। ऐसा होया नहीं कभी वैसे। अननोन नंबर से भी कॉल नहीं आती? वो तो बहुत दफा आती है, फोन से गल्लां बहुत कर देने। अच्छा, एक बार फोन मिलाया तो अगे कुड़ी कह रही कि आपका मदरूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है, अगो कहते उन्नी देर तुसी ते गल करो। यार एवी ना तुम छेड़ो उनको। वैसे एमक्यूएम के दोस्तों से बातचीत होती है? नहीं, आजकल नहीं। वो भी नहीं हो रही आजकल? नहीं। तो आपने तो बिल्कुल ही कतई ताल्लुक ही कर दिया। सब सही कर दिया। क्यों? मगर आई पर्सनली फील कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं दे आर वेरी वेरी ब्लेस्ड वन। देखिए 27-28 करोड़ लोगों में 96 लोग हैं, उनमें जब आप एक जगह पर बैठते हैं तो कल को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, वो पूछेगा नहीं क्या तुम्हें मैंने भेजा, तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया। सो आई पर्सनली फील कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो इट इज़ बेटर आराम से बैठते हैं। अच्छा, तो ये 6 साल लग गए सर रियलाइजेशन में? नहीं, कोशिश करते रहे, मगर फिर 6 साल बाद यू इवेंचुअली गिव अप। द रीजन इज लेट्स सी इफ सम सेटअप कम द पीपल ऑफ दैट लेवल केम। ये बताएं, ये महंगाई जो पेट्रोल है, ये बिजली है, एक कट होएगी? देखिए जी, ना मेरे बस में है ना आपके बस में है, हम सिर्फ इस पर रोना ही रो सकते हैं। एक बात याद है मुझे, अपने वालिद मेरे कहा करते थे कि हम खर्चों को तो नहीं रोक सकते जो चाहे महंगाई के सर पे हों, अपनी इनकम को बढ़ाने का सोचें, और वो मेहनत से बढ़ती है। आज वो वक्त नहीं है कि ये जो जवान बच्चे बच्चियाँ बैठी हैं ये घर वालों की सपोर्ट ना करें। इज्जत से बेटा आप लोग अपने घर में बैठकर लैपटॉप पर डिजिटल वर्ल्ड में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और जिस किसी ने भी वो कमाई शुरू की बहुत आगे चले गए। मैं तो पैसे अपने बधा ले 2.5 लाख रुपए से मैं फोटो कापियाँ करा लेंगे। नहीं, मगर बात उनकी सही है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें और सीख करें, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये एक लिटिल ऑल्ट्रेशन मियाँ साहब कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एक्सप्लोर करें पैसे कमाने के लिए, मगर कहीं पे लॉजिकली जहाँ बचत हो सकती है वो ज़रूर वो भी करें। डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है। ये रात को लेट नाइट होम डिलीवरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब घर पे खाना खा लिया है तो वो खा लें, उसके बाद ये जो एवं ही फजूल का पिज्ज़ा जो आपने बीच में खा लेना है और बहुत दफ़ा खा लेना है एक हफ्ते में या महीने में, इससे इज्तनाब करें। बच्चे रात 3 बजे उठ के कह रहे थे पिज़्ज़ा मंगा दो, भाई सवेरे तुसी मिट्टी की ट्राली लानी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल है? I'm fine. इधर स्टेशन था पर रफी। मैं तो खड़ा हो ही नहीं रहा। भाई जान ये इमाम से किसी बात पे राजी होता ही नहीं, किसी बात पे खुश होता ही नहीं। क्यों, आज क्या मसला है? यार इतनी रोटी 8 टाइम रोटी खांदा यार। कोई दुनिया का ऐसा होटल नहीं जिथे मैं रोटी ना खाऊं। इधर ना वजन बिन जर्रा नहीं, इधर ना हजम बिन जर्रा होना चाहिए।